दोस्तों, हम लोग भाव टू भी पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, भाव टू हैव। भाव टू हैव इज यूज टू शो इंक्लूडिंग ऑफ एनी थिंग, मीन्स किसी के पास कोई चीज़ इंक्लूड हो तो वो होता है भाव टू हैव, शो करता है। देखिए, भाव टू हैव होता कौन कौन हैव, हैज, हैड, विल हैव, हैज, हैड, विल हैव। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे हैव हैज प्रेजेंट के लिए होता है, हैड पास्ट के लिए, विल हैव फ्यूचर के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हैव हैज, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हैड, उसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विल हैव। देखिए, आज हैव हैज पढ़ते हैं। किसी के पास कोई चीज़ हो तो आप हैज हैज बोले, हैव हैज बोलेंगे। जैसे कहना है कि जिसके पास हो उसको बोलिए और हैव हैज बोलिए, और जो चीज़ हो उस चीज़ को बोलिए। यहाँ पे चीज़ कोई नाउन ही हो सकता है, जैसे एडजेक्टिव या वर्ब नहीं बोल सकते हैं। जिसके पास है उसको बोलिए और हैव हैज बोलिए, और जो चीज़ है उस चीज़ को बोल दीजिए। जैसे कहना है कि मेरे पास पैसा है तो आई हैव मनी, आपके पास पैसा है तो यू हैव मनी, उसके पास पैसा है तो ही हैज़ मनी। नहीं, मेरे भाई के पास पैसा है तो माई ब्रोदर हैज़ मनी। ठीक है, अगर निगेटिव बनाना है तो डोंट और डजन से बनाएंगे। जिसका नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, आई डोंट हैव मनी, आपके पास पैसा नहीं, यू डोंट हैव मनी। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल, आपके पास मोबाइल नहीं, यू डोंट हैव मोबाइल, उसके पास मोबाइल नहीं, ही डजंट हैव मोबाइल। देखिए, क्वेश्चन बनाना तो डू डज को आप बाहर निकाल देंगे। जैसे कहना है कि आपके पास मोबाइल है, डू यू हैव मोबाइल, क्या आपके पास पेन है, डू यू हैव पेन, क्या आपके पास पैसा है, डू यू हैव मनी, क्या आपके पास कार है, डू यू हैव कार, क्या उसके पास कार है, तो डज ही कार, सॉरी डज ही हैव कार। और इसमें डब्ल्यू एच इंक्लूड करना चाहते हैं तो हमने डब्ल्यू एच लिखवाया वर्ड। जैसे कहने कि आपके पास कैसा मोबाइल है तो हाउ डू यू हैव मोबाइल, क्या आपके पास मोबाइल है तो डू यू हैव मोबाइल है, उसी में हाउ लगा दीजिए, हाउ डू यू हैव मोबाइल, आपके पास कैसा मोबाइल है। कहने कि आपके पास टाइम है तो डू यू हैव टाइम, उसी में कह देना आपके पास कब टाइम है, तो बोल सकते हैं व्हेन डू यू हैव टाइम, इसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आई वी डे के साथ आप हैव लगाएंगे, यानी प्लुरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हैव, और ही सी इट या कोई नाम हो तो उसके साथ हैज, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। कहना एक जैसे देखिए, कहना कि राम और श्याम के पास पैसा है तो राम एंड श्याम हैव मनी होगा, और खाली श्याम होगा तो श्याम हैज मनी। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, आई, यू डोंट हैव कार, आपके पास कार नहीं है, डू को बाहर निकालती है। यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, डू यू हैव मोबाइल, क्या आपके पास मोबाइल है, हाउ मच डू, इसमें केवल हाउ मच जोड़ दिया गया, हाउ मैनी, सॉरी हाउ मैनी जोड़ा गया है, हाउ मैनी डू यू हैव मोबाइल, आपके पास कितना मोबाइल है। यहाँ पर नीचे देखिए, मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, उसका आंसर लिखा हूँ, यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन लिखना और उसका आंसर बनाना। ये कर लेंगे आप तो पक्का इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, कहना है डू यू हैव प्रॉब्लम, क्या आपके पास प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो बोलिए आई हैव प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं है तो आई डोंट हैव प्रॉब्लम, क्या आपके पास, सॉरी डू यू हैव टाइम, क्या आपके पास टाइम है, अगर टाइम है तो बोलिए आई हैव टाइम, अगर टाइम नहीं है तो आई डोंट हैव टाइम। नेक्स्ट लिखा है, इसी में कॉल व्हेन जोड़ दिए गए, व्हेन डू यू हैव टाइम, आपके पास कब टाइम है, तो आप टाइम इधर जोड़ देंगे लास्ट में, आई हैव टाइम टूडे, टुमारो, जो भी हो, 8 o'clock, जितना बजे हो आपके पास बोलेंगे। यहाँ पे नीचे लिखा गया, देखिए हाउ मच होता है कितना, हाउ मैनी भी होता है कितना, तो ये वाला होता है काउंटेबल, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन, जैसे जिसको गिना ना सक, जिसको नहीं गिना जा सके, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, गोल्ड, ये सब लगाएंगे हाउ मच, और हाउ मैनी मतलब कितना होता है, ये काउंटेबल नाउन होता है। जैसे कहूँ कि आपके पास कितना पेन है तो हाउ मैनी यहाँ पे लगा, हाउ मैनी डू यू हैव पेन, आपके पास कितना दूध है तो हाउ मच डू यू हैव मिल्क। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डू यू हैव मनी, आई हैव मनी, डू यू हैव मोबाइल, आई हैव मोबाइल, हाउ डू यू हैव मोबाइल, आई हैव मोबाइल वन, डू यू हैव पेन, आई हैव पेन, हाउ मैनी डू यू हैव पेन, आई हैव लॉट्स ऑफ पेन, यू हैव लॉट्स ऑफ पेन, डू यू हैव टाइम, क्या आपके पास टाइम है, आई हैव टाइम, प्लीज स्पीक लाउडली, आई हैव टाइम, Do you have car? क्या आपके पास कार है? I don't have car. You don't have car. Do you have bike? क्या आपके पास बाइक है? I don't have bike. Do you have time? I don't have time. You don't have time. I have time. When do you have time? आपके पास कब टाइम है? I said I don't have time. Do you have book? क्या आपके पास बुक है? I have book.
जैसे कहने कि आपके पास क्या क्या है, तो क्या के लिए क्या बोलते हैं? व्हाट अबाउट कहने कि आपके पास क्या क्या है, तो व्हाट अबाउट डू यू हैव, आपके पास क्या क्या है? आई हैव पेन, नोटबुक। जैसे कहना कि चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हेड पढ़ेंगे हम लोग। जय हिंद, तब तक।